हाय दोस्तों, और अभी मैं मनाली की तरफ जा रहा हूँ, तो मेरे को 8:30 हो जाएंगे मनाली पहुँचते हुए। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे थे, काफ़ी अच्छे व्यू हैं। और जहाँ से मैं आ रहा हूँ, मैंने जो रास्ता चुना है वो छोटे छोटे गांव से निकल के एक जो हमारी जो ये रिवर होती हैं नीचे, उनके वहाँ से जो रास्ते बने हुए, तो वहाँ से मैंने रूट प्लान करा था, तो काफ़ी अच्छा रहा है। और आई होप जो मैं अभी नेक्स्ट ट्रिप करने वाला हूँ तो उसमें मेरे पास ड्रोन होगा, क्योंकि मेरे को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ड्रोन से जो मैं शॉट ले सकता हूँ वो ऐसे इस कैमरे से शॉट नहीं आते। और आप देख रहे हो मेरे पीछे, तो काफ़ी अच्छा रिवर है। और मैं यहाँ पे इसलिए रुका हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जो मैं यहाँ पे आया था तो फ्रेंड्स के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयमेंट करा था हमने। और अब की बार मैं अपनी i20 पे आया हूँ, जो कि अभी तक हमारी गाड़ी 800 किलोमीटर चल चुकी है, क्योंकि मैं अमृतसर गया था वहाँ से बाघा बॉर्डर, और अभी मनाली की तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि यही टाइम तो है यार बर्फ़ देखने का, थोड़ा इन्जॉयमेंट करने का। और बाइक पे राइड बहुत सारी कर ली थी, इसलिए दोस्तों के साथ एक अलग मज़ा आता है, और साथ में फैमिली भी है तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। और आई होप आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा। तो मैं आप लोगों को अभी यहाँ के है ना थोड़े से शॉट दिखाता हूँ कि कैसा व्यू है जहाँ पे मैं अभी हाल फिलहाल रुका हुआ हूँ चाय पीने के लिए। तो 1 2 3 हाय दोस्तों, माय नेम इज़ दिनेश, और आप लोग देख रहे हो रोल राइटर दिनेश। सो अभी मैं मनाली में हूँ, और आप लोग जो ये व्यू देख रहे थे काफ़ी अमेजिंग व्यू है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है, तो अभी मैं आपको बर्फ़ में लेके चलूँगा और काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो 1-2 दिन की मेरी ट्रिप यहाँ पे प्लान हुई है, तो वो मैं घूम फिर के आराम से अपनी गाड़ी में आया हुआ हूँ, थोड़ा इन्जॉयमेंट करता हुआ जाऊँगा। सो यहाँ की जो मैंने अभी प्रॉपर्टी ली है ओयो रूम पे मैंने बुक करी थी, और मैं अभी हाल फिलहाल ओल्ड मनाली में हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जो मनाली बिल्कुल स्टार्टिंग में बना हुआ, मैं वहाँ पे नहीं स्टे करा क्योंकि हर बार मैं वहीं स्टे करता था, तो अब की बार मैं थोड़ा सा डिफरेंट प्लेस में आया हूँ। तो आप लोग जो यहाँ पे देख रहे हो, ये मेरे बालकनी का व्यू है, और ये मेरा होटल है, मैं बालकनी में खड़ा हूँ, और ये सेब के पेड़ हैं, तो काफ़ी अच्छा व्यू है। और पीछे पहाड़ दिख रहे हैं बर्फ़ से ढके हुए हैं। तो अभी मैं आपको सोलांग वैली लेके चलता हूँ, और वहाँ पे दिखाता हूँ कि बर्फ़ कैसी पड़ी हुई है। हाय गाइस, तो पीछे देखो कितना अच्छा एनवायरनमेंट है, और काफ़ी मज़ा आ रहा है मेरे को, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन पहले ही स्नो हुई है तो मैंने मिस कर दिया। और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई है जहाँ तक आप देख सकते हो, तो पीछे भी पहाड़ हैं तो सारे के सारे वो बर्फ़ से ढके हुए हैं, तो काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ मैं। काश मेरे पास ड्रोन होता तो मैं आपको अपर शॉट लेके ज़रूर दिखाता। और इन्जॉय करिए मेरे साथ इस मोमेंट को। मैं मनाली से अभी निकल रहा हूँ, और मैं आप लोगों को जो वीडियो दिखा रहा हूँ, ये मेरी जो जर्नी है, ये 2 दिन की जर्नी थी स्टे इन मनाली, तो 2 दिन मैंने स्टे करा है, तो वो मैं कंपाइल करके आपको एक वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, जो कि अभी मैं यहाँ से निकलूँगा। और
काफ़ी अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे। और हाल फिलहाल अभी भी स्नो हो रही है, आप देख रहे हो मेरे पीछे, आपको दिख रही होगी। तो अभी थोड़ा कम हो गया, लेकिन अभी ज़्यादा स्नो थी, अब थोड़ा कम हो गया है। और वीडियोस वगैरह मैं आप लोगों को इसमें दिखा चुका हूँ, स्नो की आप लोगों ने देखी होगी थी मेरी बालकनी से कैसा व्यू आ रहा था, और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ के। और गाड़ी में फैमिली के साथ था तो और भी अच्छा लगा। अब मैं नेक्स्ट आऊँगा तो मैं यहाँ पे लेह लद्दाख की मेरी ट्रिप रहेगी जून के आसपास, तो वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करो और मेरे को फॉलो करो, ताकि आप लोगों को अच्छी अच्छी व्यू, अच्छे अच्छे नज़ारे और अच्छी अच्छी राइडें आप लोगों को देखने को मिले। सो बाय फ्रेंड्स।